दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए अपने विकास पर फोकस कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने देश भर के 200 स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की प्लानिंग कर ली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश भर के कम से कम 200 रेलवे स्टेशनों का मॉडल सुविधाओं से कायाकल्प किया जाएगा। वैष्णव ने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय उत्पादनों की बिक्री के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के जालना में पीट लाइन एवं कोच अनुरक्षक सुविधा के शिलान्यास कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने उक्त बातें कही। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 47 रेलवे स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 32 स्टेशनों पर काम अभी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। स्टेशनों पर ओवरहेड स्पेस बनाए जाएंगे, जिसमें बच्चों के मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के अलावा प्रतीक्षा लाउंज और फूड कोर्ट सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा परिवर्तन किया है। देश में महत्वपूर्ण स्थानों को किस तरह से सड़क या रेलवे से 100% जोड़ना है, इसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा और इसे आगे बढ़ने के लिए काम भी किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देश के सभी हिस्सों को अब या तो राजमार्ग या फिर रेलवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को भी जोड़ा जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के योगदान का जिक्र करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में देश में 400 वंदे भारत ट्रेन होगी। इसमें से 100 ट्रेनों का निर्माण मराठवाड़ा के लातूर स्थित एक कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। कारखाना में पहले से ही आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि औरंगाबाद स्थित कोच रखरखाव कारखानों की मौजूदा क्षमता 18 कोच है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबाद दास ने दानवे ने इसे बढ़ाकर 24 कोच किए जाने की मांग की है। दोस्तों, पहले से ही फेज 1 और फेज 2 के माध्यम से रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान चल रहे हैं, जो अभी कार्यरत हैं और जल्द ही इसे पूरा करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड के धनबाद जसीडी स्टेशन में कार्य अभी चल रहे हैं, जो कि काफी प्रगति से चल रहे हैं। उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और भारत के सबसे पहले रीडेवलपमेंट प्लान के तहत बनने वाले रेलवे स्टेशन गांधीनगर को पूरी तरीके से रीडेवलपमेंट कर एक आकर्षक लुक और सारे सुख सुविधाओं से लैस बना दिया गया है। वैसे ही और भी स्टेशनों को बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब धरातल पर कब तक यह पूरी स्टेशन बनकर तैयार हो जाती है, यह देखना अभी बाकी है। ऐसे ही न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।